जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपकी जो भी पॉजिटिव सकारात्मक इच्छाएं हैं उसे ईश्वर ज़रूर पूरा करें। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो आपको सही लगती है लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो ईश्वर आपकी ऐसी कोई विश कभी पूरी ना करें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर को लेकर। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, या फिर वो कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिल में? तो जिनको सोचकर भी आप पाइल चूज करेंगे उनसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। पाइल चूज करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है। 2 मिनट का अभी हम आपको मेडिटेशन कराएंगे, आपको वो करना है, उसके बाद ही आपको एक पाइल चूज करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, देखना है आपको कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट के लिए आप शांति से बैठ जाएं। ॐ भूर्भुवस्वः तच्च वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा। चलिए अब आप एक ऑप्शन चूज करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो प्लीज़ एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। कभी कभी कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं। तो थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो लोग नंबर बांट रहे हैं उनसे सतर्क रहें, सावधान रहें, वो हमारा नंबर नहीं होता। ठीक है,
अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, हमसे बात करनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। ठीक है, आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है और अपनी पर्सनल रीडिंग की बात करनी है। लेकिन डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में। आपने जिनको सोचकर पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, ऐसा क्या है वो जो आपसे नहीं बताना चाहते, या फिर उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स हम आपको बताएंगे। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ कन्या मकर राशि, एरीज लियो सेजिटेरियस भी है, लेकिन उसकी एनर्जी थोड़ा सा कम है। ठीक है, चलिए इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 22 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 27 तारीख, 13 तारीख, 1 तारीख। यह है इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म इस तारीख में हुआ होगा। यहाँ पर आपकी भी एनर्जी हम देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये डेट ऑफ बर्थ जो हमने बताई है वो आपसे भी मैच कर सकती है। अच्छा, बर्थ मंथ बताते हैं, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर, फरवरी। अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, फरवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च। ठीक है, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। इनिशियल बताते हैं, जे आर एन पी के बी एल टी यू सी पी वी जी एस। ठीक है, यह है यहाँ पर इनिशियल्स। एक सबसे बड़ी बात देखिए, इधर हमें लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन ये थोड़ा ऑफिशियल टाइप हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि एक दो बातें नहीं हैं, बहुत सारी बातें हैं ये जो आपसे छुपाते हैं। ये आपसे उतना ही बताते हैं जितना कि इन्हें लगता है। दो तरह के लोग होते हैं, इवन तीन तरह के लोग। एक वो जो सारी बातें बता देते हैं, सारी बातें शेयर कर देते हैं, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा रहा, वैसा रहा। एक होते हैं जो सिर्फ उतना बताते हैं जितना बताना चाहिए, उनको लगता है, उनको लगता है कि ये बताने का कोई मतलब नहीं है और उतना बताओ जितना चल जाए। तो कुछ बातें बताते हैं, कुछ बातें नहीं बताते हैं। और एक वो होते हैं जो कुछ भी नहीं बताते हैं अपने बारे में, वो सिर्फ जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन कुछ बताना नहीं चाहते हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं ये सेकंड कंडीशन में आते हैं, ये उतना बताते हैं जितना इन्हें सही लगता है, ये हर बात आपसे शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं करते। अच्छा, ये थोड़ा सा जैसे कि अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होना, जैसे कि अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस होना, अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस होना,
और बिल्कुल लकीर के फ़कीर टाइप ज़िंदगी की, अब ये करना है अब ये करना है, जैसे कि एक मर्यादित व्यक्ति, बहुत ज़्यादा लिमिट में रहना कि अब इस टाइम पे ये करना चाहिए, इस टाइम पे ये करना चाहिए, अब हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत ज़्यादा रीति रिवाजों को फॉलो करना, मानना, बहुत ज़्यादा समाज की परवाह करना, परिवार के बारे में बहुत सोचना कि उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा, मैं ये नहीं कर सकती, चाहे उसमें इनको अपनी फीलिंग्स ही क्यों ना मारनी पड़े, और चाहे उसमें किसी और को हर्ट ही क्यों ना करना कर, चाहे उसमें ये किसी को हर्ट ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन ये जैसे क्या होता है ना कि एक रेखा के बाहर कभी नहीं निकलते, ये एक लिमिट हमेशा इनकी रहती है कि मुझे इस लिमिट में इतनी इतनी बात करनी है, मुझे ये करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है, क्यों, रीज़न कुछ भी, फैमिली, समाज, पैसे, कुछ भी, एज, कुछ भी, मतलब ऐसा रहता है इनका, ठीक है। तो अभी एक बात ये है, हमें ऐसा लगता है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान है ये, हो सकता है कि स्टेबल ना हो, जॉबलेस हो, या फिर जॉब है तो अच्छी खासी सैलरी नहीं है। जितने बड़े बड़े इनके ऊंचे ऊंचे सपने हैं, जितने ऊंचे ऊंचे सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर ये इस वक्त बहुत परेशान है। कि हमें ऐसा भी लगता है कि शायद इस वक्त आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, इस वक्त आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फील कर रहे होंगे इनसे, हो सकता है आपको टाइम ना दे रहे हों, और बिज़ी बिज़ी बिज़ी, अभी बिज़ी हूँ, अभी काम में हूँ, अभी बिज़ी हूँ, अभी काम में हूँ, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करूँगी, बाद में बात करूँगा, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक बात यह है कि इनके परिवार में भी शायद आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी कलह क्लेश का माहौल रहता है, जो कि इनके ऊपर काफ़ी जैसे कि प्रेशर है किसी चीज़ का, कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, तो थोड़ा सा बर्डन फील करते हैं, ये थोड़ा सा बर्डन फील करते हैं, और उसकी वजह से इनका जो नेचर है ना, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, लाइक चिड़चिड़े चिड़चिड़े से रहते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, अगर आप बात करना भी चाहो तो कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी हर्ट कर देते हैं, सोच समझ कर नहीं बोलते, एक बार ये नहीं सोचते कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप हर्ट हो सकते हैं, उससे हमारा रिश्ता ख़राब हो सकता है, नहीं, इस वक्त जैसे कि इनके दिल दिमाग में कोई और ही जुनून सवार है, समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात और है कि इनको कोई भ्रमित भी कर रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, अभी इस वक्त जितना ये आगे एडवांस की लाइफ जीना चाहते हैं ना, जैसे कि ये सोचते हैं मेरा ये हो, मेरा वो हो, मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, वैसी ज़िंदगी जीऊँ, तो अभी ना अपने सपने पूरे करने के चक्कर में ये किसी पर भी ट्रस्ट कर ले रहे हैं, और इनके साथ ट्रस्ट इशू हो ही रहे हैं, विश्वासघात हो ही रहा है, तो थोड़ा सा अंदर से ये परेशान है, डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भी इन्हें बहुत सोचना पड़ रहा है कि मैं करूँ ना करूँ, फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ऐसा भी लगता है कि शायद इनकी फैमिली इनका सपोर्ट नहीं करती है। और ये है कि बहुत सारी बातें कह नहीं पाते हैं, बहुत सारी बातें बोल नहीं पाते हैं, और आप पर भी गुस्सा कर ही देते हैं, लेकिन आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भले ही आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हों, ये भले ही आपकी तरफ ध्यान ना दे रहे हों, लेकिन आप एक पल के लिए भी इनसे दूर नहीं होते हैं, एक पल के लिए भी। हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि देखिए सोलमेट कनेक्शन है आपका इनसे, और बहुत बहुत प्यार है इधर, ये भी प्यार करते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्यार नहीं करते, लेकिन इनको जैसे कि लाइफ में एक कम समय में सक्सेस चाहिए, इन्हें बहुत सक्सेस चाहिए, कमिटमेंट इशू बहुत होते हैं आप दोनों के दरमियान, एक तो ये हो सकता है कि आपके साथ शादी को लेकर, आपके साथ शादी को लेकर सीरियस तो हैं, लेकिन
कुछ लोगों का यहाँ पर एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, तो इनको लगता है कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, खड़ा नहीं हो जाता, लाइक मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक मुझे मेरी ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेने का कोई हक नहीं है। इनको ये लगता है, इनको यही लगता है, ये शायद कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट, बस जैसे कि किस्मत अभी इनका साथ नहीं दे रही है, और किस्मत इनका साथ नहीं दे रही इस वजह से हर तरफ से इन्हें नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। जैसे इनको लगता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कितनी समस्याएं हैं, अभी आपसे छुपा रहे हैं, इन्हें कहीं से कोई कॉल आया है, कोई मैसेज आया है, कहीं से इनको बहुत जैसे कि डिसअपॉइंट होना पड़ा है, या तो किसी चीज़ में फेलियर का सामना करना पड़ा है, या फिर इनके कोई बहुत बड़े अरमान थे वो टूट गए हैं, कोई एग्ज़ाम दिया था इन्होंने तो उसमें पास नहीं हो पाए ये, वो एग्ज़ाम इनका क्लियर नहीं हुआ, या फिर कहीं पर इंटरव्यू दिया था तो वहाँ से भी इन्हें रिजेक्शन मिला है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है, कोई कॉल मैसेज, कोई लेटर, कुछ ऐसा आया है इनके पास जिसकी वजह से बहुत दुखी हैं, और इनको लगता है क्या यार मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है, अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हैं, ठीक है, और ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, आपसे शायद नहीं बताना चाहते। इनके दिमाग में एक बात और चल रही, कहीं जाना चाह रहे हैं, कहीं कोई जर्नी, या तो किसी से मिलने। अब देखो ये जो मिलन है ना, ये जो मिलना है, ये छुपा रहे हैं आपसे, इसे आप अपने हिसाब से समझिए, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, या तो किसी काम से बाहर जाना चाह रहे हैं, या तो किसी से मिलने जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको वो बात बताना नहीं चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा भी लगता है, अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो ये आपके पास आ रहे हैं, बट आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। तो इनको मतलब हमें एक जर्नी दिख रही है, या तो जाने की या फिर आपके पास आने की, लेकिन ज़्यादातर करके हमें ऐसा लगता है कि कहीं जाने की प्लानिंग है, हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाकर कुछ करना चाह रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन परेशान तो बहुत हैं, और इनके अंदर ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है दूसरों से, जो इंसान बहुत ज़्यादा तुलना करता है ना वो कभी ज़िंदगी में खुश रहता ही नहीं है, पता है आपको, जितनी हम तुलना करेंगे, जितनी करेंगे, जितना कंपैरिजन करेंगे, जितना बड़ा जितना ऊंचा बनने की कोशिश करेंगे सिर्फ दिखावे के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, या फिर अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, तब तक हम इसी तरह परेशान रहेंगे। जो भी करना है खुद के लिए करिए, किसी को दिखाने के लिए मत करिए, सेल्फ लव होना चाहिए कि आप खुद की खुशी के लिए करिए, समझ रहे हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर वो छोटा वो बड़ा, मैं ऊंचा, मुझे ये करना है, मुझे उसे करके दिखाना है, मुझे ये बन के दिखाना है, पॉजिटिव वे में नहीं थोड़ा सा। और जो इंसान ज़्यादा कंपैरिजन करता है ना ज़्यादा, एक दिन वो इसी तरह टूटता है। जो ज़्यादा बड़े बोल बोलता है ना कि एक दिन ये होगा वो होगा, तुम ये होगे तुम ये होगे, मैं वो होऊंगा, तुम्हारे मेरे सामने कोई औकात नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी, जो लोग मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, जो लोग इस तरह की ज़्यादा बातें करते हैं, एक दिन उन्हें निराशा का सामना करना ही पड़ता है। अगर ईश्वर आपको दे रहा है, अगर ईश्वर ने आपको ऊंचा उठाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ किसी को नीचा दिखाओगे। तो इनको थोड़ा सा ना यही हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में जो इतनी टेंशन है, इतना बर्डन है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर इतनी जो भी टेंशन इनके मन में है, कहीं ना कहीं इनकी अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से है, इनके अपने रहन सहन, इनके अपने तौर तरीके, इनकी अपनी बोलचाल की वजह से है, समझ रहे हो। अगर ये एक नॉर्मल तरीके से चीज़ों को समझे, किसी से खुद को कंपेयर ना करें, तो कुछ नहीं होने वाला, सब अच्छा हो जाएगा सब। अभी हम बता रहे हैं कि जैसे कि इनका कहीं से कोई भ्रम भी टूटा है,
सपना कह लीजिए, फिर कोई भ्रम मान लीजिए, या तो इनका इनको कहीं से उम्मीद थी कि कोई मेरा साथ देगा, कोई मेरा सपोर्ट करेगा, कुछ बड़ा इन्होंने सोचा था, इनका वो प्लान चौपट हो गया है, जैसे कि इनका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसकी वजह से बहुत निराश हैं। अभी इनका मन कहीं दूर जाने का हो रहा है, जैसे कि अंदर बहुत बेचैनी है, बहुत अशांति है, क्या करूँ, किससे बात करूँ, किससे ना करूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें। आपसे भी गुस्से में बात कर रहे हैं, आपको भी समझ नहीं रहे हैं, तो आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, आपको भी कुछ बताना नहीं चाह रहे। थोड़ा सा होता है ना कि इंसान अकेले रहना चाहता है, और यहीं पर हम आपकी एनर्जी देख रहे हैं, तो आप इनसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम क्या बताएं। आपने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इनके नाम कर दी है, बिन फेरे हम तेरे, हाँ ऐसी ऐसी वाली लाइफ है आपकी। आप इनके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, आपकी ज़िंदगी बन गए हैं ये, और आपको लगता है कि मुझे मेरी पूरी लाइफ इसी इंसान के साथ जीनी है, जैसे भी हो बस मुझे इसी के साथ जीना है, दुख हो सुख हो हमेशा एक दूसरे का साथ देना है। आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव। इनके रूड बिहेवियर से भी आप थोड़ी देर तक बुरा मानते हैं, लेकिन फिर आप समझते हैं कि यार वो परेशान है। आप इनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, कहीं ना कहीं समझते हैं, तकलीफ़ तो होती है, ये जो करते हैं उससे तकलीफ़ तो होती है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करते हैं। बस आपको उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन ये इंसान अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा, हाँ, और ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, और जिस दिन ये आपसे मिलने आएगा, आपको कमिटमेंट देगा, आपसे अपने दिल की बात कहेगा, आपसे शादी करेगा, ये मेल हो फीमेल हो, आपको उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन ये व्यक्ति खुद चलकर आपके पास आएगा और कहेगा विल यू मैरी मी, आपको उस दिन का इंतज़ार है। और उस दिन के इंतज़ार के लिए आप नज़रें बिछा कर बैठे हुए हैं और हर पल ईश्वर से इनके कामयाबी की प्रार्थना करते हैं, इनकी कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। आप खुद से पहले इनके लिए प्रेयर करते हैं, आप बस ईश्वर से इतना ही कहते हैं कि अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, बस उसकी खुशी का आप ख्याल रखना। अभी आप इतना प्यार से बात करना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, और इसे आप बिल्कुल नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, क्योंकि अभी ध्यान नहीं है तो क्या हुआ, अभी ध्यान नहीं है तो क्या हुआ, अभी थोड़ा सा परेशान भले ही हैं, लेकिन अगर इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया तो हम सफ़र तो आप ही इनके बनेंगे, ये समझ लीजिए। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अभी आप उनको समझो, वो आपको कोई धोखा वोखा नहीं दे रहे हैं, बस वो थोड़ा सा परेशान है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस अभी उनका थोड़ा सा नेचर चिड़चिड़ा हो रहा है, क्योंकि वो जैसे कि कुछ चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, जैसे कि अभी उनकी लाइफ कहीं एक जगह पर अटक गई है, जैसे कि उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, वो जितने एफर्ट्स लगाते हैं, वो जितनी मेहनत करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो अभी वो थोड़ा परेशान है। और जब इंसान अंदर से परेशान होता है, कोई ना कोई टेंशन में होता है, तो वो कुछ भी बोलता है, समझ रहे हो आप, कुछ भी बोलता है, उसके मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल जाता है। दरअसल वो उस वक्त सोच समझ कर नहीं बोलता, गुस्से में बोल देता है, लेकिन बाद में उसे अफसोस होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं कहना था। लेकिन ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी परेशान है, डिसअपॉइंट है, लाइफ को लेकर कोई समझ नहीं रहा, फैमिली के लोग भी नहीं समझ रहे हैं, घर में भी बहुत ज़्यादा कलह कलेश का माहौल बना हुआ है, और ऐसे में वो किसी से बात करना नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो परेशान होते हैं तो सोचते किसी से बात करें, बट कुछ लोग ऐसे होते जो परेशान होते तो उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस अकेले रहने का मन करता है, चुप रहने का मन करता है। और एक बात और बताएं, अगर इन्होंने किसी और के चक्कर में आकर, हमने बताया ना इन्हें कोई भड़का भी रहा है थोड़ा बहुत, इनको कोई ऐसा व्यक्ति है इनकी लाइफ में जो इनको इनके रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, वो जो भी है उसकी बातों में आ रहे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो
इनको आगे चलकर इतना पछतावा होगा कि हम आपको क्या बताएं। अभी तो बस जैसे कि किस्मत इनका साथ नहीं दे रही, ज़िंदगी इनका साथ नहीं दे रही है। जितना ये डिज़र्व करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, इनको इनके मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है और ये अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। दिन प्रतिदिन रिश्तों के प्रति जो इनका भ्रम है वो टूटता चला जा रहा है। इन्होंने जितने लोगों से जैसी जैसी उम्मीदें की थी, आज तक इनकी उम्मीदों पर कभी कोई खरा नहीं उतरा। जिनके लिए इन्होंने क्या नहीं किया, आज वही इनके एक काम के लिए मना कर देते हैं। तो बस अंदर से बहुत परेशान है। अब अगर आपकी इनसे बात होती है तो सिर्फ आप इनसे इतना कहिएगा कि अपने मणिपुर चक्रा को बैलेंस कर लें, क्योंकि लाइफ इम्बैलेंस तभी होती है जब आपका मणिपुर चक्रा इम्बैलेंस होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल कम हो जाती हैं। हर तरफ से लाइफ, परिवार को लेकर, प्यार को लेकर, करियर को लेकर, अगर बैलेंस करना है लाइफ को तो मणिपुर चक्रा को बैलेंस करके रखना होगा। मणिपुर चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप गायत्री मंत्र 2 पेज डेली लिख सकते हैं या फिर जाप कर सकते हैं, सूर्य देव को जल दे सकते हैं और अपने नाभि केंद्र पर डेली 10 मिनट तक आप मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। ईश्वर ने चाहा तो सारी समस्याएं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। एक बात और, ये जल्द ही आपके लिए एक्शन लेंगे, जल्द ही आपको कमिटमेंट देंगे, जल्द ही आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए आपका हाथ मांगेंगे, लाइक आपको प्रपोज करेंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। बस अभी जो गम के बादल हैं ये जल्दी छट जाएंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आप दोनों के दरमियान जैसा रिश्ता आप चाहते हैं वैसा रिश्ता ज़रूर बनेगा। बस प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये हमेशा से आपके थे, हैं और रहेंगे। बस अभी थोड़ा सा परेशान है तो किसी से बात करने का इनका मन नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही चीज़ें बेहतर होंगी, संतुलित होंगी, फिर से आपके दोनों के दरमियान रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, बस अपना दर्द छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, इन्हें कोई कॉल मैसेज कोई लेटर मिला है उसके बारे में छुपा रहे हैं और उसकी वजह से अंदर से बहुत इम्बैलेंस हो गए हैं और किसी ने इनके साथ विश्वासघात किया है, किसी का असली चेहरा इनके सामने आ गया है, उसके बारे में भी आपसे कुछ कहना नहीं चाह रहे, वो भी आपसे छुपा रहे हैं। तो बस अंदर ही अंदर अभी टूटे हुए हैं, लेकिन जल्दी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप बस इनके लिए प्रार्थना करिएगा, इनकी हीलिंग करिएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए, आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन जो नहीं कह पा रहे हैं, तो हम आपको आज ये बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं, इधर कौन कौन से साइन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इधर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस थोड़ा सा कम है। उनके बर्थ मंथ की बात करते हैं, जून, दिसंबर, मई, जुलाई, अप्रैल, सितंबर। ठीक है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, ठीक है, 24 तारीख,
12 तारीख, किसी महीने की 13 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 9 तारीख। ठीक है, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, उनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं। एस टी पी के एन वी एल आर। ठीक है, ये है उनके नेम का इनिशियल। अब बताते हैं हम आपको कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कंडीशन की बात करेंगे कि आप दोनों के दरमियान फिलहाल चल क्या रहा है। यहाँ पर पता है, जैसे कि पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ऑन ऑफ की सिचुएशन है, ऑन ऑफ की सिचुएशन है। कभी चले आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी चले आते हैं, कभी चले जाते हैं। एक्चुअली जो इंसान है ना, ये खुद अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत स्टक हैं अपनी लाइफ में। और इधर कुछ नेगेटिविटी भी वर्क कर रही है। जी हाँ, इधर कुछ नेगेटिविटी वर्क कर रही है। तो आपने देखा होगा कि कभी अचानक ही ये बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, अचानक इन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है, और अचानक ये बहुत नॉर्मल, बहुत शांत, बहुत बहुत प्यार दिखाने लगते हैं। तो आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैटर क्या है। कभी कभी ये इंसान कहता है कि तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, और कभी कभी ये इंसान कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। पता है, ये बहुत उलझे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। और पता है, इनका कुछ फैमिली मैटर है, पर्सनल, वो उसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं। अब देखो, दिल तो इंसान के पास एक ही होता है ना, मन तो एक ही होता है। अगर पारिवारिक किसी बात को लेकर वो परेशान है, और वो चाहता है कि वो बात वो किसी और से शेयर ना करे, आपसे भी ना करे, कुछ ऐसा मैटर है कि वो आपसे भी नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर उस टाइम पर आप कोई बात करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, क्योंकि वो इंसान पहले से ऑलरेडी किसी और चीज़ में फंसा हुआ है, किसी और चीज़ से बहुत दुखी है, और वो उस बात को आप तक पहुंचने नहीं देना चाहता, वो इंसान आपसे छुपाना चाह रहा है। लेकिन आप शायद फोर्स कर रहे हो कि क्या बात है, तुम ऐसा बिहेव क्यों करती हो, क्यों करते हो, मुझे बताओ। तो वो भड़क जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके अंदर, क्योंकि वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते, वो आपसे नहीं बताना चाहते, और इस वजह से आपसे बताना नहीं चाहते, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप बहुत समझदार हैं, हमने यहाँ पर देखा आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है ये, काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों का थोड़ा सा एज डिफरेंस भी हो सकता है, और कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपकी मेच्योरिटी जो देख रहे हैं ना, आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं, वो कमाल की है। आप पता कैसे इंसान हैं, सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, लाइक आप डिवाइन से, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं। तो जब आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो आप किसी से कुछ नहीं कहते, बस सब उन पर छोड़ देते हैं, और बस सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। और अभी भी आप उनके लौट कर आने का इंतज़ार ही कर रहे हैं। कभी कभी मन कहता है आपका कि शायद वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, वो जिस तरह से रिएक्ट करता है, जिस तरह से बात करता है वो इंसान, तो वो सब देखते हुए आपको लगता है कि शायद कभी कुछ ठीक नहीं होगा हमारे दरमियान। लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, कोई ना, इंतज़ार कर लेते हैं। और अभी आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमने देखा, हम देख रहे हैं कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, आपको आपके प्यार पर बहुत यकीन है, बहुत ट्रस्ट है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि जो प्रेम मैंने किया है बहुत निस्वार्थ है, वो बहुत आध्यात्मिक है, बहुत स्पिरिचुअल है।
इसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो बस आपको ये लगता है कि नहीं नहीं वो आएगा और मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी उसे किसी स्वार्थ से, किसी मतलब से नहीं चाहा। जो मतलब का प्यार होता है वो एक दिन ख़त्म होता ही होता है, रीज़नेबल लव एक दिन ख़त्म होता ही होता है, जिसमें एक रीज़न है, लेकिन जो विदाउट रीज़न है वो कभी ख़त्म नहीं होता। उसे कोई कैसे ख़त्म कर सकता है? उसमें तो बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारा समर्पण होता है, एक दूसरे के प्रति इंसान बहुत समर्पित होता है। ये भी आपसे प्यार करते हैं, आप ये बिल्कुल मत समझना कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन इनकी लाइफ ना बहुत अनस्टेबल है। इनकी लाइफ में जो इनके फैमिली वाले हैं और जो इनके आसपास के लोग हैं और जो इनका करियर है, उन सब चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। इन्हें पता है भड़काने वाले भी बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। अब क्या होता है, जब हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं होता, जब हमारी एनर्जी लाइक स्टेबल नहीं होती, तब दूसरों की बातें भी बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। तब हमारी लाइफ में छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती हैं, हम उनसे बहुत दुखी हो जाएंगे, दूसरा इंसान क्या बोल रहा है उसकी बातों से बहुत फ़र्क पड़ने लगता है कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। तो कुछ ऐसा ही है ये जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है लोगों का, और आपके बीच थर्ड पार्टी स्ट्रांग है। कोई मतलब हम ये नहीं कहते कि वो किसी के साथ रिश्ते में है, या फिर कोई है जो लाइक फैमिली मान लीजिए, या फिर कोई है जो इनका दोस्त हो, इनका नेबर, कोई हो जो इनके कान भरता ही रहता है, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, ऐसा किया तो ये हो जाएगा। और ये इंसान इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या छुपा रहे हैं? करियर से रिलेटेड कोई बात है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। या तो फैमिली का कोई बहुत बहुत जैसे कि अंदर वाला मैटर होता है कि वो इंसान किसी से कह नहीं सकता, बहन को लेकर, भाई को लेकर, माँ को लेकर, किसी को भी, फैमिली मैटर है कुछ पर्सनल जो ये किसी से कह नहीं सकते, बस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, बहुत दुखी है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। और कुछ लोगों को तो उनके एग्ज़ाम की बहुत टेंशन है, अगर आपके जो पार्टनर हैं वो स्टडी करते हैं तो एग्ज़ाम की टेंशन है, या फिर जॉब की बहुत ज़्यादा टेंशन है, या फिर कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो उसकी बहुत टेंशन है कि क्या रिज़ल्ट होगा, उसको लेकर बहुत परेशान है। और जिनका रिज़ल्ट आ गया है, हो सकता है कि वो नेगेटिव रिज़ल्ट हो, इस वजह से वो बहुत दुखी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें वो आपसे कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे कि वो वैसे ही बहुत दुखी हैं, आपसे और क्या बताएं। तो यहाँ पर ना जैसे कि दुखी हैं, और उनका कोई अपना ही है जो लाइक उनको तोड़ना चाह रहा है, उनका कोई बहुत करीबी है, उनका फैमिली मेम्बर, जिसने उनके साथ कोई धोखा किया है, पर वो आपसे उस बात को शेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। कभी कभी देखो ये हर किसी के फैमिली की बात होती है, भले ही कोई, कुछ लोग होते हैं जो बता देते हैं, लेकिन ये जो पर्सन ऐसे हैं ये अपनी फैमिली की पर्सनल बातें किसी से भी शेयर नहीं करते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हाँ जी, चाहे फिर वो आप ही क्यों ना हो, तो वो ये बातें शेयर नहीं करना चाह रहे हैं आपसे। उसको लेकर माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत टेंशन में है, लेकिन शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हमें लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन हैं, अगर इनकी शादी हो गई है तो ये उस बात से बहुत परेशान हैं, इनका पर्सनल मैटर चल रहा है, और अगर ये अनमैरिड हैं तो इनकी फैमिली वाले इनकी शादी की बातचीत कहीं और कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको बता दिया तो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं, अगर इन्होंने आपको बता दिया तो कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो, तो फिर ठीक है, इनको लगता है कि आप ये कहोगे तो ठीक है, तुम कर लो शादी और हम क्या कर सकते हैं। तो ये ना शादी वाली बात है जो आपसे नहीं बता रहे हैं। और एक बात और है कि इनसे कोई गलती हो गई है, कोई इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई इंसान है जो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, और वो ये बात
कह नहीं पा रहे हैं। आपसे बताएंगे तो आपको खोने का डर है, आप छोड़कर चले जाओगे, इन्हें ऐसा लगता है कि आप छोड़कर चले जाओगे, तो इस वजह से बहुत स्टक हैं। आपसे अभी बात नहीं कर रहे, हमें लगता है इन्होंने बहुत बहुत रूड बिहेव किया है आपसे, लाइक ब्लॉक कर दिया हो या फिर गुस्से में कुछ भला बुरा बोल दिया हो, तो आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके कॉल और मैसेज का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं ये। हाँ, पता है क्यों? 100 बातें आपसे कह लें, लड़ लें, लेकिन आपको चाहते बहुत हैं। पता है कभी कभी ना सिचुएशन को समझना चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा एक ही एनर्जी में नहीं रहता है, इंसान की ज़िंदगी में एक ही सिचुएशन हमेशा नहीं रहती है। कल वो बहुत फ्री था, आज वो बहुत बिजी है, कल वो फिर बिल्कुल फ्री हो जाए, है ना? तो हमें भी समय के साथ ढलना चाहिए, हमें भी समय की धारा में आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो बातें आपसे कह लेते हैं, मन हल्का कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, वो बातें किसी और से नहीं कह पाते। इनको एक बात और भी लगती है कि बहुत सारी चीज़ें आप बिना कहे समझ लेते हो, और आप इनका सपोर्ट करते हो, आप इन्हें मोटिवेट करते हो। तो इस वजह से अभी इन्होंने गुस्से में बोल दिया है भले ही, लेकिन पता नहीं क्यों आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं, ये आपका वेट भी कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का खुद से नहीं कर रहे हैं लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं ना कि इनका पारिवारिक कोई मैटर है, और उस टाइम पर आप इन्हें कितना भी प्यार दोगे तो उस टाइम पर इन्हें प्यार नज़र नहीं आएगा, वो उसी में उलझे हुए, उधर ध्यान है इनका। इंसान के पास एक ही ध्यान होता है, कहते ना गौर फरमाओ, ध्यान दो, अटेंशन दो, लाइक ध्यान दो, ध्यान से काम करो। तो इंसान के पास एक ही ध्यान है, वो उसका ध्यान उसकी फैमिली में लगा हुआ है, वो जो कुछ मैटर हुआ है उस पर लगा हुआ है। इस वजह से ये अभी आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, अभी ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं, अभी ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं आपसे, और आपके प्यार को भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बस इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ कर ना जाओ और आप इन्हें समझ लो। हाँ, इनका बस ये है कि ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। अभी पता है, अभी बहुत बहुत रो रहे हैं, इनको रात में सही से नींद नहीं आती है, बहुत घुटन, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट होती है। और हमने बताया इधर कोई इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, और वो बात ये किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें अंदर ही अंदर ना बेचैनी बनी हुई है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और कुछ नेगेटिविटी भी है। अच्छा, इधर कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप होप मत हारना, उम्मीदें मत हारना, ये बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे, बहुत जल्द आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। जो चीज़ें आपसे छुपा रहे ना, सही समय आने पर ये आपसे ज़रूर बताएंगे, सही समय आने पर ये आपसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। अभी ये ना आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपका वेट कर रहे हैं। तो इनकी जो एनर्जी है, चलिए हम आपको एक प्यारी सी गज़ल सुनाते हैं, ठीक है? किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फिजाएं के हम मिले
आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। और इसके आगे की जो लाइन है वो आपकी एनर्जी है, कौन सी है? वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। आप दोनों को ही एक दूसरे का इंतज़ार है। आप दोनों जहाँ पर पहली बार मिले थे, जहाँ भी मिले हों, ख्वाबों ख्यालों में जहाँ पर भी मिले हों, वो आपका वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, आपने इनके लिए क्या नहीं किया? वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया और वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है, लेकिन फिर भी किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, इंतज़ार आज भी है। तो आप दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो, ये हम आपको बताएं थोड़ा सा। ये ना जो आपके पर्सन हैं, ये थोड़ा सा इस टाइप के मेच्योर पर्सन हैं जो अपने घर की पर्सनल चीज़ें, अपनी लाइफ की बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते। आप कर देते हैं पर ये नहीं करते, ये नहीं करते। कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी हैं इनके पास, पास्ट लाइफ के लाइक एक्सपीरियंस हैं जिसको लेकर इनके जो अनुभव रहे वो अच्छे नहीं रहे। जैसे कि पहले ये किसी से कुछ शेयर कर देते थे तो बाद में उनका दुरुपयोग होता था उन चीज़ों का, तो इस वजह से ये शेयर नहीं कर रहे हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये शेयर नहीं कर रहे हैं, या आपसे सिर्फ उतनी बातें कर रहे हैं जितनी नॉर्मल वे में होती हैं जीएफ बीएफ के दौरान या फिर प्रेम के दौरान जो बातें होती हैं, सिर्फ वो पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे। और इसी वजह से वो और भी घुट रहे हैं। क्या होता है ना, इंसान के मन में जो भरा होता है अगर वो निकाल देता है, बोल देता है, तो मन हल्का हो जाता है। पर ये इनका मन ही हल्का नहीं है और इसी वजह से और भी ज़्यादा तकलीफ़ में, और भी ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। पर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको चीज़ें पता चलें, नहीं, ये आपसे बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे जिन्हें खोने का बहुत डर है आपको। ये अभी आपसे लड़ाई झगड़े करके बैठे हैं, आपको मना लेंगे, आगे आपको मना लेंगे, आपके इलेक्शन ले लेंगे, लेकिन अगर कुछ बातें हैं इनकी ज़िंदगी की जो आपको पता चल गई और आपने इन्हें छोड़ दिया किसी भी वजह से, तो पता नहीं शायद ये जी नहीं पाएंगे। और इसी वजह से ये थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। अभी ये आपसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, सही से बात नहीं करते, रूड बिहेव करते हैं, क्योंकि इंसान अंदर से मजबूर है, अंदर से परेशान है, अपनी लाइफ को लेकर बहुत डिस्टर्ब है, इस वजह से है ना। तो प्लीज़ हम आपसे इतना कहेंगे कि आप तो बहुत समझदार हैं इनके अकॉर्डिंग, आप तो इनसे भी ज़्यादा समझदार हैं, और आपको अपने प्यार पर यकीन है ना, आपने हमेशा इनसे स्पिरिचुअल लव किया है, अनकंडीशनल लव किया है, तो यकीन करिए, यकीन करिए, ईश्वर बहुत जल्द आप दोनों को एक करेंगे, ईश्वर बहुत जल्द आप दोनों के दरमियान जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ख़त्म करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एक बात और, कोई थर्ड पार्टी इनके कान भरती है लेकिन ये उसकी बात आपसे नहीं कहते हैं,
ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते कभी भी, इस बात को लेकर आप दुखी रहते या आपके प्यार को कभी नहीं समझते, लेकिन एक दिन आपकी सारी शिकायतें दूर करेंगे, सब कुछ बैलेंस होगा आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहने होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप लोगों की नहीं अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो आपसे क्या बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे, आखिर क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले इधर हम साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन एरीज लियो सजिटेरियस थोड़ा सा कम है, ठीक है। चलिए इधर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 21 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 2 तारीख, 18 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 9 तारीख, 22 तारीख और 29 तारीख। बर्थ मंथ की बात करते हैं, जून, फरवरी, अगस्त, मई, अक्टूबर और जुलाई, ठीक है। इनिशियल की बात करते हैं, एम आई टी एन एच डी एन एस के वी एल बी, ठीक है। डियर, इधर भी दो कंडीशन है। पाइल नंबर 1 में भी दो कंडीशन थी और इधर भी दो कंडीशन है। चलिए सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो लोग सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं, जिनके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, समझ रहे हैं, जो एक तरीके से आपको छोड़ कर चले गए थे किसी और के लिए, या तो इन्होंने शादी कर ली थी किसी और से, या तो इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, और या फिर ये किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ कर चले गए थे। अभी ये क्या छुपाएंगे? जिस भाव से ये गए थे ना, गए तो बहुत अकड़ दिखा कर थे, लेकिन अब इनकी जो अकड़ है सिमटती जा रही है, अब इनकी अकड़ बरकरार नहीं है। जिस अकड़ में ये छोड़कर गए थे ना, ये समझ लो उस अकड़ ने इन्हें अकड़ दिया है पूरी तरीके से, ये कहीं के बचे नहीं हैं। बात सिर्फ इतनी है, और कहें किससे, कहें किससे कि मैं जो बोलकर आई थी, फिर जो बोलकर आया था, मेरी ज़िंदगी उससे बदतर हो गई है। पहले ये आप पर बहुत सवाल जवाब करते थे, आप पे बहुत सवाल उठाते थे, आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे। क्यों? क्योंकि जब आपके साथ रिश्ते में थे ना, तो आप पॉजेसिव बहुत ज़्यादा थे। आप एक ऐसे इंसान हैं, जस्टिस लवर, ना झूठ बोलते हैं ना झूठ बोलना पसंद करते हैं। आप कहते हैं कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, पर मुझसे सही बोलो, मुझसे सही बोलो, मुझे झूठ पसंद नहीं है। आप ऐसी कोशिश करते थे, हमेशा इनसे यही बोलते थे, और ये झूठ का भंडार थे।
ये झूठ का भंडार थे, लेकिन आप इनका झूठ पकड़ लेते थे। रीज़न पता है क्या है? आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हैं, आप बहुत मैच्योर, बहुत समझदार, बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं। आपके सामने इनकी चलती नहीं थी, आप इनके झूठ पकड़ लेते थे। तो इन्हें लगता था कि आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बंधन बनाते हैं, आप इन पर बहुत डाउट करते हैं, बहुत शक करते हैं। अब जब आपने हज़ारों बार इनके झूठ पकड़े तो फिर आप सवाल जवाब करते थे, ये क्यों किया, वो क्यों किया, कहीं ना कहीं इनकी भलाई के लिए आप इन्हें समझाते भी थे, पर वो इन्हें बहुत बुरा लगता था। लेकिन सच बताएं, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, जैसे कि दिल से चाहते थे इन्हें, रूह का रिश्ता ऐसा महसूस करते थे। ये कितने भी बुरे क्यों ना सही, लेकिन आपने कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। आपको लगता था कि या तो इसके जैसे बन जाना है या तो इसे अपने जैसा बना लेना है, लेकिन अफसोस ना ये आपके जैसा बन पाया और ना आप इसके लेवल तक नीचे गिर पाए, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ होते थे, तो उन्होंने आपको गिरने नहीं दिया इसके लेवल पर। ये दिन प्रतिदिन गिरता चला गया, आपसे खूब झूठ बोलने लगा। अब देखो, आपको थोड़ा सा गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, आपने हमेशा इनसे कहा कि जो भी हो सच बताना, लेकिन उन्होंने झूठ बोला और आप झूठ पकड़ लेते हो क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से लड़ाइयाँ आप दोनों के दरमियान खूब होती रही, ठीक है, खूब होती रही। कुछ लोगों का यहाँ पर एज डिफरेंस इशू भी है, आपके जितने समझदार नहीं थे, आपके जितना मेच्योर नहीं थे, कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी है, लेकिन आपको फिर भी लगता था कि समझ जाएंगे, शायद मेरा प्यार इस इंसान को बदल दे, पर आपका प्यार कभी भी इस इंसान को बदल ना पाया। रीज़न उसका ये था, कभी भी इस इंसान ने आपके प्यार को प्यार की तरह देखा ही नहीं है, समझ रहे हैं, दिल से कभी महसूस ही नहीं किया कि आप इन्हें कितना प्यार करते हो और आप इनका कितना भला सोचते हैं, इनके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं आप, वो इन्हें कभी नज़र नहीं आया। लेकिन अभी अभी इनकी ज़िंदगी जब नर्क हुई ना, तो इन्हें समझ में आया। लेकिन अब वो अकड़, जिस अकड़ में बोल कर आए थे कि हाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे 36 हैं, अब वो 36 के 36 गायब हो गए। अब इनकी ज़िंदगी ऐसी है कि बस ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अब ईगोइस्टिक हैं, एटीट्यूड है। अब अगर रोते हैं आपके सामने, कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जहन्नुम हो गई है, तो फिर झुकना पड़ेगा ना। अब देखो, प्रेम में अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्यार नहीं होता, लेकिन इनके अंदर अहंकार कुछ ज़्यादा ही था, और इनका अहंकार टूट तो गया है, लेकिन झुकने में अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है इन्हें। अब पता है, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे बता नहीं रहे, छुपा रहे हैं आपसे। अभी भी आप इन्हें सोशल मीडिया पर कहीं देखते होंगे, कभी भी आपका मन होता चलो देख लेते क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, तो आपको लगता होगा ये तो बहुत मस्त है, चलो ठीक है, खुश रहने दो। लेकिन नहीं, वो सब दिखावा है। ये इंसान एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है, इंसान दिखावा बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हर पल आपको याद करता है, आपके साथ बिताए गए पलों को हर पल याद करता है, आपकी बातें, आपका प्यार, आपकी केयर, सब कुछ इसे बहुत याद आता है कि वो कितना अच्छा था, मुझे कितना समझता था, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, मैंने दूसरों की वजह से उसे खो दिया। और आपको पता है, जब तक आप इनके साथ रिश्ते में थे, आप मैरिड हों अनमैरिड हों, ये समझ लीजिए कि इनसे बहुत सारे लोग कहते थे कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ये इंसान मिला, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये इंसान मिला, और उसके बाद भी तुम्हारी आदतें सुधर नहीं रही हैं। हर इंसान इन्हें टोकता था, हर इंसान इन्हें कहता था कि सुधर जाओ। इनकी बस आदत थी इधर उधर करने की, और वो आपको पसंद नहीं था क्योंकि आप इनके लिए बहुत लॉयल थे, तो आपको लगता था कि जब मैं लॉयल हूँ तो ये भी लॉयल होना चाहिए। आप इतने शक्की नहीं हैं, आपको लगता है कि हाँ अगर बातचीत कर ली तो कोई बात नहीं, पर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, झूठ तो कम से कम ना बोले, पर ये झूठ बोलते थे बहुत ज़्यादा। जो होता था आपको पता था कि ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी जैसे कि बिल्कुल आँखों में धूल झोंकना, तो फिर इस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। लेकिन अभी इन्हें आपकी बहुत याद आती है, पर ये किसी से कह नहीं पाते हैं, किसी से कुछ बोल नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, और ये अपना दर्द, अपनी तन्हाई
छुपा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी पावर पे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी, आपकी बहुत अच्छी ज़िंदगी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आप एक ऐसे इंसान हैं जो, जैसे कि जस्टिस लवर तो आप हैं ही, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं, लोग आपको बहुत मानते हैं, समाज में आपका बहुत नाम है, बहुत रेस्पेक्ट है आपकी। हाँ, और आप ईश्वर पर इतना बिलीव करते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि मेरा ईश्वर, मेरा खुदा मेरे लिए जो भी करेगा वो मुझे यकीन है वो बेस्ट ही होगा, वो मुझे जो भी देगा वो बेस्ट ही होगा। आपके परिवार में भी आपकी चलती है, आपसे पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, क्योंकि शायद आप अपनी फैमिली के वो मेन मेंबर हैं जिसकी एडवाइस से पूरा घर चलता है, क्योंकि आप अपने घर में बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन इनकी ज़िंदगी तो नरक हो गई है और ये किसी से बस बोल नहीं पा रहे, इन्हें बड़ा गिल्ट है, बड़ा अफसोस है। हर इंसान अब इन्हें टोंट मारता है, हर इंसान अब इसे इन्हें ताने देता है कि तुम इसी लायक हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया ना, तुम इसी लायक हो। अब किससे कहें, अब कैसे दिखाएं दिल के घाव, घाव दिखाने तो फिर झुकना पड़ेगा और झुकने में दिक्कत अभी भी है। कहते कि सांप मर गया लेकिन अकड़ अभी भी बरकरार है, तो इनके अंदर अकड़ अभी भी बरकरार है और देखते हैं ये अकड़ कब तक बरकरार रहेगी। इनका बड़ा मन करता है आपको कॉल करने का, आपसे बात करने का। हो सकता है कि आपके पास अनोन नंबर से कॉल आती हो और कोई बोलता ना हो। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो अनोन आईडी से ये आपको फॉलो भी कर रखे हैं, ये आपसे बात भी करते हैं। हाँ, नए नए नेम चेंज करके आते हैं, इन्होंने कई आइडिया बना रखी हैं। भाई आईडी तो इनके पास पहले भी थी बहुत सारी, सोशल मीडिया पर हो, फेसबुक पर हो, स्नैपचैट पर हो, इंस्टा पे, कहीं पर भी आईडीज तो इनकी पहले से भी थी, क्योंकि इन्हें नए नए नामों से, नए नए लोगों से बात करने में अच्छा लगता था। भाई बहुत सारे लोगों से दोस्ती थी इनकी, तो अब वो सारी चीज़ें ये आप पर यूज़ कर रहे हैं, नई नई आईडी से आपसे बात करते हैं, आपको फॉलो करके रखा हुआ है। हो सकता है कि आपको कभी कभी फील भी होता हो कि ये वही है, आप पहचान भी जाते होंगे। ये एक कंडीशन तो यहाँ पर ये है कि अगर आपके एक्स पार्टनर ने किसी से शादी कर ली थी आपको धोखा देकर, या फिर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़कर चले गए थे, तो डियर बड़ा अफसोस है उन्हें, बड़ा पछतावा है। कहते हैं ना कि चार दिन की चांदनी सब जगह होती है, बस आप सब्र करो, आप मत परेशान हो, क्योंकि ईश्वर बहुत समय तक जैसे कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो इन्होंने किया है वो इनके सामने आएगा ही आएगा, वो इनके सामने एक दिन आएगा ही आएगा। इस वजह से ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे, आपके नेचर की वजह से, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से। पॉजिटिव होने का यही बड़ा फ़ायदा होता है कि जो पॉजिटिव सोल्स होती हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती हैं। हाँ, तो जो पॉजिटिव सोल्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी मदद करती हैं, सही सही समय पर आपको सही गाइडेंस भी देती हैं जब भी आपको उनकी ज़रूरत होती है। तो आप अपनी लाइफ में इतने भी दुखी नहीं है, इतने भी मरे नहीं जा रहे इनके बिना। बस आप तो बस यूं ही है कि ठीक है देख लेते हैं क्या चल रहा है, बस ऐसे। पर ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं, ये आपको ईश्वर से मांग रहे हैं कि हमारे दरमियान सब कुछ ठीक कर दीजिए, हमारे दरमियान सब कुछ ठीक कर दीजिए, काश वो मुझे माफ़ कर देती, माफ़ कर देता और हम फिर से एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करते, पर हिम्मत नहीं हो रही है। इधर डियर हम दूसरी कंडीशन की बात करें। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, फिर ओल्ड पर्सन जो भी, इनके साथ आपका एज डिफरेंस है, इनकी एज 20 से लेके 35 प्लस, समझ रहे हैं, इसी बीच के हैं ये, और ये आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। ये इंसान एक तो इतना मैच्योर नहीं है जितने कि आप हैं, ये इंसान इतना मैच्योर नहीं है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं, इधर अलग अलग बातें हैं। एक तो ये आपको चीट कर रहे हैं, जी हाँ, कंडीशन नंबर एक और है कि आपको चीट कर रहे हैं। इनको किसी का प्रपोज़ल मिला है या फिर ये किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं या फिर ये कर रहे हैं, किसी और से बातचीत कर रहे हैं और ये वो नहीं चाहते कि आपको पता चले, या फिर हमें ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं से प्रपोज़ल मिला है
और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और ये उससे बातचीत कर रहे हैं आपसे छुप छुप कर, ठीक है, ये आपसे छुप छुप कर बातचीत कर रहे हैं। और जब भी आपको डाउट होता है तो ये बहुत सारी बहानेबाजी कर देते हैं, इनका फ़ोन था, उनका फ़ोन था, तुम समझती नहीं हो, तुम समझते नहीं हो, बहुत सारे ड्रामे, ठीक है। तो हमें 100% लगता है कि जो पर्सन है ये आपको धोखा दे रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए। और जब आपसे लड़ाई वड़ाई होने लगती है इनके, आप ज़्यादा इनसे सवाल जवाब करने लगते हैं, तो फिर ये बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं उसको लेकर और आपको लेकर। इनका फिर मन करता है कि मैं उसके साथ ही चला जाऊं। पहले सिर्फ आप इनकी ज़िंदगी में थे, अब सिर्फ आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं। हाँ, अब सिर्फ आप इनकी ज़िंदगी में नहीं, और वो जो इंसान इनकी ज़िंदगी में आया है वो थोड़ा सा पैसे वाला है, समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा पैसे वाला है। तो अभी इनके दिमाग में बस ये चल रहा है कि शॉर्टकट अपना के अमीर बन जाएं। और कहीं ना कहीं अब ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगे हैं। पहले सिर्फ आप इनके साथ थे, अब इनके पास कोई और भी है, अब इनके पास कोई और भी है, और इसी वजह से ये अभी आजकल बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि इसके साथ आगे बढ़ूं, इसके साथ आगे बढ़ूं, इसके साथ आगे बढ़ूं, या फिर इसके साथ आगे बढ़ूं। समझ रहे हैं, ये लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन इनसे ज़्यादा मेहनत ना हो सकेगी, कि ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान नहीं हैं, बस इतना समझ लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं हम आपको बताएं कि ये आपको धोखा देने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको फील होता है, देखो जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ अपने आप ही महसूस हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ, और सिर्फ ये कर रहा है मेरे साथ गलत। एक होता है ओवर थिंकिंग, कभी कभी लोग ओवर थिंकिंग करते, ओवर थिंकिंग नहीं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मिलने लगते हैं कि ये आपके वो आपको धोखा दे रहा है, ये चीट कर रहा है। उसकी बातों से बहुत सारी चीज़ें साफ जाहिर होने लगती हैं, जैसे कि वो जाने के बहाने ढूंढता रहता है, वो लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है, जैसे कि उसे बस जाने का बहाना चाहिए, उसे बहाना मिल नहीं रहा है क्योंकि उसने कभी आपको कमिटमेंट दिया है, इस वजह से तो वो बहाने ढूंढ रहा है आपसे दूर जाने के, जिससे इन फ्यूचर वो ये बोल सके कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैंने तुमको छोड़ा, मैंने तुमको इस वजह से छोड़ा है। तो अभी ये एक मौके की तलाश में है, एक बहाने की तलाश में, अगर इसे बहाना मिल जाता है डियर, डेफिनेटली ये आपको छोड़कर चला जाएगा, समझ रहे हैं। ये है यहाँ पर दूसरी कंडीशन, कि ये अभी कंफ्यूजन की स्थिति में, क्योंकि ऑप्शन है इनके पास। हमने सब कुछ बहुत डीपली बताया है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।